फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड या फ्रेंड्स या बच्चे क्या कर रहे हैं? इस बात की जानकारी, सारी गतिविधि, सारी एक्टिविटीज की जानकारी लाइव आप अपने मोबाइल स्क्रीन, पीसी या लैपटॉप पर देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई सीसीटीवी कैमरा की आवश्यकता नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने जा रहा हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया को आप कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि पूरी प्रक्रिया को आप अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी आपको हमेशा देता रहता हूँ। तो चलिए पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। मतलब कि जिस व्यक्ति को आप लाइव देखना चाहते हैं उसके मोबाइल में एक ऐप्स इंस्टॉल करना है। आप प्ले स्टोर में जाएं और यहाँ सर्च करें आईपी वेबकैम। आप देखेंगे यहाँ ओपन आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर लिया है तो ये ओपन आ रहा है। 4.2 की रेटिंग है इसकी, बहुत अच्छी रेटिंग है। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं। इसमें बहुत सारे सेटिंग हैं, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी है मैं उसी सेटिंग को बता रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए क्वालिटी 100 कर लें, वीडियो रेजुलेशन को आप 720 कर सकते हैं, चाहे चलिए HD ही रहने दीजिए, HD रहने में डाटा ज़्यादा खाएगा आपका। ठीक है, अब इसको नीचे आइए और देखिए ऑडियो मोड इनेबल रहने दें, आपको उसकी आवाज़ भी सुनाई देगी कि वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है या क्या बोल रहा है वीडियो के साथ साथ। और यहाँ डिजेबल नोटिफिकेशन, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं, इसको टिक कर देते हैं, तो उसके मोबाइल पे ये एप्लीकेशन रन कर रहा है उसका नोटिफिकेशन नहीं उसको दिखाई देगा। लेकिन अभी मैं इसको टिक नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को दिखाना है। और यहाँ देखिए स्ट्रीम ऑन डिवाइस बूट, इसको टिक कर लें। इसको टिक करने से उसके मोबाइल पे अगर गलती से कभी ये एप्लीकेशन बंद हो गया, सॉरी, अगर उसका मोबाइल गलती से कभी बंद हो गया, जब भी वो दोबारा स्टार्ट करेगा मोबाइल को तो ये एप्लीकेशन उस पर दोबारा रन कर जाएगा खुद ब खुद। तो इसको ओके आई गेट इट कर लें और सबसे नीचे जाएं, सर्वर स्टार्ट सर्वर पे टच करें और ये छोटी सी फाइल डाउनलोड करवाएगी, इसको आप डाउनलोड कर लें, यस कर दें। वीडियो कोडेक फाइल है ये लगभग पूरी हो चुकी है, इंस्टॉल हो रही होगी। जैसे ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा स्क्रीन आपके सामने आ ही गया, इसी के बारे में मैं बोल रहा था। अब आप देखिए ये मोबाइल की स्क्रीन है सामने आपकी और ये टीवी चल रहा है जिसको आपको लाइव ये दिखा रहा है इसी मोबाइल से स्क्रीन। लेकिन आपको ये मोबाइल के ब्राउज़र से या फिर गूगल क्रोम से या पीसी पे देखना है, तो इसके सारी प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। यहाँ आप एक्शन पे जाएंगे, स्टॉप अगर बंद करना है तो रन इन बैकग्राउंड, इस एप्लीकेशन को उस मोबाइल में बैकग्राउंड में रन करना है तो इसको टच करें, और आपको शेयर आईपी पे टच करना है। ठीक है, इसको टच करें, ये आईपी देगा, इस आईपी से ही आप देख सकते हैं इंटरनेट ब्राउज़र के द्वारा या फायरफॉक्स के द्वारा, जैसे भी। तो हम आप इसको अपने मोबाइल पे सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या मैसेज के थ्रू, या ईमेल के थ्रू, जैसे आपको करना है। तो हम अभी व्हाट्सएप चूज़ कर लेते हैं। देखिए ये व्हाट्सएप ले आएगा मेरे सामने और आपको खुद पे ही भेजना है, क्योंकि आप देखना चाहेंगे। अगर किसी बच्चे के पिता हैं तो आप खुद देखना चाहेंगे, ठीक है, कोई दोस्त है तो अपने फ्रेंड के बारे में देखना चाहेंगे। तो आप अपने मोबाइल को टच, सॉरी, अपने नंबर को सेलेक्ट करके और अपने नंबर पे इसे सेंड कर लें। ये चला गया, चला गया ये, और बैक हो जाए। अब क्या करें, ये स्क्रीन है, अब इसको रन इन बैकग्राउंड कर दें, इसको रन इन बैकग्राउंड कर दें।
ओके आई गेट इट पे टच कर लें। अब देखिए, उसका मोबाइल किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो अपने मोबाइल से व्हाट्सअप करे या वीडियो देखे या फिर गेमिंग खेले, ठीक है, या गेमिंग करे या फिर कुछ भी करे, या ऑडियो म्यूज़िक सुने, कुछ भी करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मोबाइल जो भी वर्क कर रहा है, लेकिन ये सारे वीडियो को शूट करके आपको ये सेंड करता रहेगा। तो चलिए देखते हैं, हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि नोटिफिकेशन पे बैकग्राउंड नोटिफिकेशन को हम डिजेबल नहीं किए हैं। यहाँ देखिए, मैंने नोटिफिकेशन का वहाँ नहीं टिक किया था, तो इसलिए ये यहाँ नोटिफिकेशन पैनल पे ये दिखा रहा है, ये आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। तो हम यही आईपी को यहाँ टच करेंगे, वन 92168 डॉट आ गया, चूंकि मैंने कुछ देर पहले इसको टच किया था। इसको आप इंटर कर दीजिए। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगा। आपको वीडियो रेंडर पे आपको जावा स्क्रिप्ट पे टच करना है, ठीक है, टच कीजिए। अब देखिए, इस मोबाइल की ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो भी इस कैमरा के सामने आएगा वो आपको इस गूगल क्रोम पे सेंड कर रहा है ये। तो यहाँ टीवी चल रहा है और देख रहे हैं इसको, ये रिकॉर्ड करके, ये लैपटॉप का स्क्रीन भी रिकॉर्ड करके ये आपको सेंड कर रहा है। आप साउंड भी सुन सकते हैं, जैसे आप देखिए, इस पर आप टच कीजिए HTML5। देखिए, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी और अच्छी क्वालिटी में सुनाई दे रही होगी। देखिए, तो वो अपने मोबाइल से अगर कुछ बात भी कर रहे हैं तो भी उसकी आवाज़ आप पे आती रहेगी। तो अभी डिस्टरबेंस कर रहा है, तो इसलिए मैं इसके साउंड को ऑफ करता हूँ, नो ऑडियो। चलिए, अब जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी फीचर्स क्या है। सबसे पहले आपने बैक कैमरा देखा, मैं बैक कैमरा के सामने अपना हाथ को ला रहा हूँ, आप देखेंगे, ठीक है, आप मेरे हाथ को देख सकते हैं। अब मैं इस फ्रंट कैमरा को मैं इनेबल करता हूँ, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ कैमरा ऑप्शन है, फ्रंट कैमरा ऑप्शन, आप इसको टच कीजिए, ये कैमरा चेंज हुआ, हो सकता है ऊपर देखिएगा 1-2 सेकेंड डिले करेगा, आ गया। कभी कभी 1-2 सेकेंड डिले करता है, 5 सेकेंड डिले करेगा, लेकिन ये आ जाएगा। तो आप ये फ्रंट कैमरा देख रहे हैं, फ्रंट कैमरा के सामने मैं अगर अपना हाथ लाता हूँ तो आप गौर करेंगे, आपको मेरा हाथ भी दिखेगा। हाँ, इसकी फ्रेम रेट बहुत स्लो है, अगर आप चाहें तो फ्रेम रेट में जाकर उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब फ्रंट कैमरा हो गया, साउंड आप देख लिए, दोनों कैमरा को के ऑप्शन को आपने देख लिया। और यहाँ देखिए, ये टेक फोटो, आप फोटो ले सकते हैं, इस वीडियो को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, आप यहाँ से इस पे टच करेंगे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखिए, ये फ्री वर्सन ने आप इंस्टॉल किया है, तो बस आप इसे लाइव देखें, कभी भी रिकॉर्ड करने का कोशिश ना करें। अगर आप रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो ये आपके मोबाइल में नहीं आएगा, ठीक है, ये इस वेबसाइट आईपी वेब कैम के वेबसाइट पे ही रहेगा, और उसको फिर आपको डाउनलोड करने के लिए, ये परचेज करने के लिए कहेगा। तो हो सकता है आपका कुछ पर्सनल वीडियो है जिसको आप रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो ये वेबसाइट पे ही रह जाएगा, तो आप उसको कभी ना करें, रिकॉर्ड ना करें। हाँ, फोटो शूट कर सकते हैं, फोटो शूट करने के लिए आप क्या करें, टेक फोटो पे टच करें, वो फोटो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल पे बस उंगली टच करके रखें, वहाँ भी आपको ऑप्शन सेव फोटो का मिल जाएगा। अब दूसरा इसके फीचर्स को देखिए, यहाँ है स्ट्रीम क्वालिटी को आप 100 कर दें, जूम इन जूम आउट है, इसको आप देखिए जूम इन कीजिएगा, देख रहे हैं, मैंने जूम इन किया और ये बढ़ गया। चलिए, अब हम इसको जूम आउट करते हैं। देखिए, जूम आउट हो गया। और फीचर्स इसके हम देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए एलईडी फ्लैश लाइट, अगर लाइन कट चुकी है या बिजली चली गई है, उस परिस्थिति में आप चाहते हैं कि वो कैमरा
के सामने लाइट जल जाए, तो आप यहाँ टच करेंगे और एलईडी लाइट जल जाएगी और उसके सामने जो एक्टिविटी हो रही है कैमरा के सामने, फ्लैश लाइट के सामने, वो आप देख लेंगे। लेकिन ऐसा ना करें, नहीं तो सामने वाला को पता चल जाता है। और ये ऑटो फोकस होल्ड, इसको आप टच कर सकते हैं, कैमरा खुद ऑटो फोकस पे जाके होल्ड कर लेगा। ये नाइट विजन है, अगर रात हो गई हो चुकी है और उस परिस्थिति में अगर आप चाहते हैं कि आप वीडियो को अपने मोबाइल पे देखें तो नाइट विजन को ऑन करें। हाँ, नाइट विजन को ऑन करने के बाद आप यहाँ देखेंगे एडवांस सेटिंग में अगर जाते हैं आप, तो नाइट विजन की क्वालिटी या गेन को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वीडियो रेजोल्यूशन को बढ़ा या घटा सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से फुल एचडी, एचडी और कम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसके फीचर्स हैं, आप यहाँ देखेंगे फ्लैश मोड है, ठीक है, फोकस मोड है, सेंस मोड है, बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो एडवांस सेटिंग को बंद कर दें, नाइट विजन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फ्लैश लाइट नहीं यूज़ कीजिएगा कभी भी, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। तो आप देख लिए, अब चलिए मैं इसको फिर से बैक कैमरा पे ले आता हूँ। ये देखिए बैक कैमरा आ गया, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बैक कैमरा के सामने अगर मैं पेन लेकर आता हूँ, आप देखेंगे तो ये आपके सामने आ चुका है। तो जो भी इसके सामने लाइव आप होगा, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जिसके हाथ में मोबाइल रहेगा, सपोज कीजिए कि ये मोबाइल अगर उसके हाथ से बेड पे चला गया, तो आप बेड पे देखेंगे, मैंने बेड पे मोबाइल को रख दिया है। तो जैसे ही मोबाइल को मैंने बेड पे रखा है, आप देखेंगे मेरी छत का फैन दिख रहा है आपको। अगर वो मोबाइल को बेड पे उल्टे रखता है तो आप देखेंगे ये अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि कैमरा नीचे चला गया, जाहिर सी बात है, तो ये अंधेरा हो गया। उस परिस्थिति में आपको बस इतना करना है कि आपको फिर से फ्रंट कैमरा को इनेबल यहाँ से करना है। अब आप देखेंगे कि जो कैमरा, बैक कैमरा जो नीचे चला गया था, अब फ्रंट कैमरा आपको काम करने लगा। इसी परिस्थिति में वो फिर कभी अगर मोबाइल को वो उल्टा कर देता है, तो आप यहाँ से फिर से उसको बदल लेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी व्यक्ति मोबाइल को हमेशा एक स्थिति में नहीं रखता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, या कभी यूज़ कर रहा है हाथ में। तो आपने देख लिया, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, ठीक है। अगर आप कुछ वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसको हम बंद करते हैं और अब आपको मोबाइल स्क्रीन पे हम दिखाते हैं कि आप मोबाइल पे ये कैसे देख सकते हैं। फायरफॉक्स पे टच करें, फायरफॉक्स पे हम इसलिए कह रहे हैं कि मैंने गूगल पे दिखा दिया, अब फायरफॉक्स पे हम आपको दिखा रहे हैं। वही मैंने आईपी टाइप किया यहाँ, वही स्क्रीन यहाँ भी आ चुका है। अब आप इसको जावा स्क्रिप्ट पे टच कीजिए, ठीक है, और साउंड पे टच कीजिए। आप इस मोबाइल पे भी आप साउंड को सुन सकते हैं, मैंने वहाँ गूगल क्रोम पे दिखाया, अब आपको मैं मोबाइल पे दिखा रहा हूँ। हाँ, तो जो लोग मोबाइल पे देखना चाहते हैं वो मोबाइल पे भी देख सकते हैं। तो मोबाइल पे भी आप सारी वही फीचर्स को आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर लें, इस पर भी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए जूम हो गया, मेरा मोबाइल सेटिंग सही नहीं है इसलिए आपको सही से नहीं देखने के लिए मिल रहा होगा। मैंने बस मोबाइल को ऐसे ही एक जगह खड़ा कर दिया है, ठीक है। देखिए मैंने कहा था कि आप यहाँ फोटो को सेव कर सकते हैं मोबाइल पे, जैसे आप इसको टच करके रखेंगे तो आपको यहाँ देखिए है ना, एक ऑप्शन आ गया सेव इमेज, सेव इमेज पे टच कीजिए और आप देखेंगे डाउनलोड हो रहा है यहाँ मोबाइल पे। गौर से देखें मोबाइल के नोटिफिकेशन पैनल पे, ये इमेज आपको डाउनलोड हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में आप इमेज को टच करके रखेंगे और उस इमेज को डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे।
तो आप वही सारा फीचर्स आप यहाँ भी उठा सकते हैं। आप रिकॉर्ड ना करें, फिर से हम कहेंगे रिकॉर्ड करेंगे, तो आप उस रिकॉर्डिंग को ले नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये फ्री वर्सन है। प्रो वर्सन के लिए आपको पैसा देना होगा, जो एक पेड करना होगा, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि 1 घंटा के बाद वो दोबारा रिकॉर्डिंग होने लग जाए, तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। LED फ्लैश लाइट मैंने वहाँ दिखाया था, एडवांस सेटिंग यहाँ भी है, बहुत सारा सेटिंग है। तो चलिए, ये वीडियो तो आप देख लिए हैं कि आप लाइव किसी भी व्यक्ति को आप लाइव कैसे देख सकते हैं। आप यहाँ भी आप चाहें तो आप कैमरा चेंज करके देख लीजिए, मैं यहाँ आपको कैमरा चेंज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये ऐप्स आपको कैसा लगा। देखिए, यहाँ कैमरा चेंज हो चुका है, तो चलिए हम इसको अब बंद करते हैं। आईपी को हम यहाँ से बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से जुड़ी कोई जानकारी या कोई सुझाव हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके उसे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। হাই এভরিওয়ান, আশা করি তোমাদের ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে। আরো ভালো ভালো ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, এই বাটনে লাইক শেয়ার আর কমেন্ট অবশ্যই করো, এন্ড প্লিজ কিপ ওয়াচিং।